नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन और मैं अनुश्री भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। पर्वतीय समाज ने किया शोभा यात्रा का आयोजन, महाकाली नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। सीएम रामी ने बताया 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रवेश प्रस्ताव हुए सफल, दुकान का शटर काट, 1,000 रुपए हुए चोरी। तेज वाहन चालक ने 2 छात्रों को मारी टक्कर, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के हाल हुए बदहाल। हल्द्वानी में डीआईजी ने कहा क्राइम कंट्रोल, ड्रग्स और यातायात पर होगा फोकस। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के लोकप्रिय संगीत के साथ होने वाली पर्वतीय समाज की रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें इसी के लिए बीती शाम काशीपुर के रुद्राक्ष गार्डन निकट होने जा रही रामलीला का शुभारंभ ध्वज लगाकर हो चुका है, जिसके चलते काशीपुर में पर्वतीय समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए संवाददाता मानिक गुप्ता की रिपोर्ट। जय दरबार की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हमारे उसमें जो है हमने ध्वजारोहण किया, क्योंकि कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ था, इसलिए एक दिन पहले हमने हनुमान जी की ध्वजा स्थापित करी ताकि हनुमान जी की कृपा से हमारा ये कार्यक्रम जो है ये सफल हो। हम 14 तारीख से रामलीला शुरू करने जा रहे हैं और हमारे छोटे छोटे पात्र यहाँ के जो कलात्मक रामलीला यहाँ पर, ये रामलीला ऐसी होगी कलात्मक, यहीं के पात्र, ये पर्वती पात्र, इनको जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको जो अभ्यास करा रहे हैं, इनकी कलात्मक रामलीला आप देखेंगे पूरे काशीपुर जो मशहूर है और यहीं के लोगों का जो है सहयोग रहता है उसमें पूरी तरह से, और ये रामलीला जो है ये आसपास ही नहीं पूरे क्षेत्र मशहूर है और हर आदमी का यहाँ पर सहयोग मिलता है। जितना भी है हमारे जितने लोग यहाँ पे तो ये खड़े हैं, सब लोग सबका सहयोग इस रामलीला में रहता है और रामलीला भव्य होकर के आपके सामने आएगी और दर्शक इसको बहुत ही मनमोहक करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे कलात्मक रामलीला करते हैं उनका जो अभिनय होता है दर्शनीय होता है, क्योंकि वो स्टेज पर भी जो अभिनय करेंगे उस पर कोई ये नहीं चलता है कि माइक चलता भी नहीं, वो खुद अपने संवाद जो होते हैं फेस टू फेस होते हैं, इधर से राम का उधर लक्ष्मण का होगा, इधर से सूर्यनखा का उधर लक्ष्मण का होगा, इधर लक्ष्मण का उधर परशुराम का होगा, तो फेस टू फेस होगा, रावण कुंभकर्ण जो भी सब सामने होंगे सबके दरबार फेस होंगे, इसलिए ये जो है ये रामला कलात्मक रामला है। देखिए हर वर्ष की भांति देवभूमि पर्वती महासभा काशीपुर यहाँ पे रामलीला का आयोजन करती है और आज की शुरुआत हो चुकी है ध्वज पताका और यात्रा आज निकली है जिस स्थान पे ये रामलीला होने जा रही है, रुद्राक्ष गार्डन के सामने हो रही है और हमारे देवभूमि पर्वती महासभा रामलीला के संयोजक आदरणीय बीडी कंडवाल जी, डायरेक्टर आरसी पांडे जी के नेतृत्व में ये रामलीला होने जा रही है। सभी पर्वतीय समाज के हर सदस्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, सभी काशीपुर वासियों में, सभी राम भक्तों में इसमें बहुत बड़ा उल्लास है, हर्ष है और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आगामी 14 अक्टूबर को काशीपुर का एक एक नागरिक देवभूमि पर्वती महासभा काशीपुर रामलीला देखने आए और मैं सभी को राम भक्तों को और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। देखिए आज जो है अनंत चतुर्दशी का दिन है और ये बड़ा शुभ दिन माना जाता है क्योंकि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो इसलिए जब हमारी जो रामलीला शुरू होती है वो पितृ अमावस्या के दिन शुरू होती है नारद मुह से, तो क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है हमने आज जो है अनंत चतुर्दशी के दिन अपना जो हनुमान जी की ध्वज रोपण था उसका ध्वज की प्रतिष्ठा की, उस प्रतिष्ठा के बाद यहाँ से एक जुलूस के रूप में सभी लोग जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर जिसमें महिलाएं बच्चे हजारों की यात्रा सैकड़ों की यात्रा में वहाँ शामिल हुए और वो ध्वज की प्रतिष्ठा हो गई है और अब हमारी रामलीला जो है जोर शोर पर है, बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। लगभग कितने लोग जो है आज उपस्थित रहे कार्यक्रम? करीब करीब प्रोग्राम में 250 लोग महिला और पुरुष थे इसमें और ये शोभा यात्रा बहुत अच्छी रही। आज ध्वज स्थापना हुई क्योंकि कल से पितृपक्ष स्टार्ट है और ये रामलीला का देवभूमि पर्वतीय महासभा के तौधान में रामलीला मंचन का 2023 का वो हो रहा है और ये 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी रामलीला हमारी और ये इस बार भव्य रहेगी और हमारी रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये गायन शैली में होती है। चंपावत के टनकपुर में महाकाली नदी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेवा के लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी पहुंचे, जिन्होंने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग का ये एक प्रयास है जो टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो हमारे उत्तराखंड का और यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो है काफ़ी संभावना है, चाहे वो एक्वा स्पोर्ट्स है चाहे ग्लाइडिंग है, और ये हमने जो है यहाँ पर नोड्स स्थापित करने चाहिए जो लोकल हैं यहाँ के, उनके अंदर जो टैलेंट है जो प्रतिभा है उसको जो है उजागर करना चाहिए। यूके भ्रमण के बाद वापस लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव सफल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवास
से उत्तराखंडी सेल बनाया जाएगा। ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ बैठक में उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कार्य योजना के लिए भी सहमति हो गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जो हमने इसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए यहाँ देश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के बहुत बड़े अवसर सज्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और देश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं। उन सभी समूहों के साथ मिलकर और जो अप्रवासी भारतीय अप्रवासी उत्तराखंड के लोग रहते हैं उन सबका भी हम आह्वान करते हैं, वो सब भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस दौरे में मैंने देखा कि बड़ी उन्होंने भूमिका अदा की है। आने वाले समय उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद अपनी देवभूमि के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ रहेगा। और उन्होंने जिस प्रकार से इस दौरे में लगातार वहाँ पर सभी लोगों का एक सांस्कृतिक शायद आयोजन हो या जिस प्रकार की एकजुटता वहाँ देखने को मिली है, मैं उन सभी का अपनी ओर से भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज में स्थित अंग्रेजी एवं देसी शराब की दुकानों में शुक्रवार देर रात अज्ञात चोरों ने दुकानदार का शटर काट कर हजारों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। आपको बता दें, दुकान स्वामी का कहना है कि उनके द्वारा हर माह करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो हम पिछले एक साल में लगभग ये पांचवी शायद चोरी है हमारी दुकान में ये, और पिछले 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार है। अब ये हम लगातार जो चोरियाँ हो रही हैं, ये तो चोर CCTV में आपका DVR में दिख रहे हैं, उसके बाद भी शायद ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये दोबारा फिर चोरी कर रहे हैं। फिर ये चैलेंज कर रहे हैं इनको कि मैं तो फिर करता रहूंगा, आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे पकड़ के दिखाइए। जनपद नैनीताल की कोतवाली क्षेत्र रामनगर में आज सुबह एक अज्ञात कार चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर राजकीय महाविद्यालय के बाहर खड़े दो छात्रों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके अलावा कार चालक ने महाविद्यालय के बाहर खड़ी 8 से 9 बाइकों पर भी टक्कर मारकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद महाविद्यालय के बाहर खड़े छात्र छात्राओं में अफरा तफरी मच गई और छात्र नेता कड़ी कार्यवाही की मांग कर पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए अभी हाल ही में करीब आधे घंटे पहले महाविद्यालय के बाहर से एक बहुत ही भयानक मामला वहां पे सामने आया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के दो छात्र लोग वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। कार वाला जो है काफ़ी तेजी में था और लोकल का इंसान था, उसे पता है कि जबकि वहाँ पे महाविद्यालय अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कार वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी पहुँच का इंसान हो। इसके अलावा कम से कम 8 या 9 बाइकें ऐसे हैं महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रों की जो पार्किंग के वहाँ पे खड़ी थी कॉलेज के बाहर से, उन सभी का भी नुकसान जो है कार चालक को झेलना पड़ेगा। हल्द्वानी में पिछले 7 साल से बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी के गोलापुर में बने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय भारत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, जिसकी कीमत 225 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टेडियम के अंदर कोई भी जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया जा रहा है। अब कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी अपना बयान जारी करते हुए अपना पक्ष रखा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
देखिए, जो हमारा स्टेडियम है उस स्टेडियम को हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हल्द्वानी में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हम उसको कनेक्ट करेंगे, इस तरह से लगातार उसकी उपयोगिता को प्रासंगिक बनाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन बरसात के समय अभी आपने जैसा जिक्र करा है तो विभाग उसका परीक्षण करा रहा है। निश्चित रूप से यदि कहीं पे भूदशा हुआ है तो उसका संज्ञान लेते हुए उसको दुरुस्त किया जाएगा। जिस भव्य तरीके से उस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का हुआ और जो उसमें फैसिलिटी है वर्ल्ड क्लास है, क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इतना यहाँ पे क्रिकेट से लोग प्रेम करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेलते हैं, तेरी प्रतिभाएं हैं, उत्तराखंड राज्य से लेके अन्य राज्यों को हमारे खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, भारत को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और एक जिले स्तर तक का भी क्रिकेट मैच पिछले 7 साल में ये डबल इंजन की सरकार नहीं करा पाई, रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं करा पाई, अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं करा पाई। देहरादून में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए, बांग्लादेश ने खेला, वेस्ट इंडीज ने खेला, और सीनियर्स के मैच हुए, सचिन तेंदुलकर ने खेला, ब्रेट ली आए, ब्रायन लारा आए, तो क्या हल्द्वानी के साथ ही सौतेला व्यवहार इस सरकार की का मंतव्य है? जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में फायर यूनिट अल्मोड़ा की टीम ने बीती शाम आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिस दौरान फायर मॉक ड्रिल का आयोजन करते हुए बच्चों को एवं सभी शिक्षकों को किसी भी अग्निकांड से बचने का तरीका सिखाया जा सके। नए छात्रा छात्रावास के आस स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें, सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के न्यू छात्रावास के आसपास विद्यार्थियों द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया गया, जिसे छात्रावास की अधीक्षिका साक्षी तिवारी द्वारा संचालित किया गया। इस अवसर पर छात्रावास की अधीक्षिका साक्षी ने कहा कि छात्रावास के आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और स्वच्छता का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी पहुंचे नवनियुक्त डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुमाऊं मंडल के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में बढ़ते नशे के साथ ही जमीनों की धोखाधड़ी पर उनका विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही साइबर क्राइम और ड्रग्स को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो एक रिस्पॉन्सिव पुलिस को बनाने की, जिसमें कि हम कोई भी पीड़ित हमारे पास आता है उसको हम ध्यान से उसकी बात को सुने, त्वरित उसको न्याय दें और समाधान से उसको अवगत भी कराएं। क्राइम फ्रंट पे इस समय दो जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम, जो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ड्रग का जो एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साइबर क्राइम में जहाँ एक और पब्लिक को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा, वहीं ये भी प्रयास किया जाएगा कि पुलिसकर्मी अपना जो नॉलेज है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उसको भी अपडेट करते रहें, ताकि जो क्रिमिनल है उसके हम बराबरी पे आ सकें या उससे हम आगे रह सकें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 10 पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं, जिसमें हल्द्वानी से वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भट्ट को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिषद के उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्था में तेजी लाना और पहाड़ों में स्वास्थ्य की व्यवस्था को और बेहतर करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उन्होंने मुझ पर ये भरोसा व्यक्त करते हुए ये दायित्व दिया है, जिस भरोसे के साथ पार्टी ने, सरकार ने ये नेतृत्व या दायित्व मुझे दिया है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। विशेषकर अपने पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर हो, स्वास्थ्य सुलभ हो और त्वरित हो, इसके लिए
हम लगातार प्रयास करेंगे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी इस पर काम किए जा रहे हैं उस पर और गति मिले, इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।